अपराजिता जी, जिस ओबीसी से बच रहे थे आप, विपक्ष उसी पिच पर, उसी ग्राउंड पर ले आया आपको, तो गोल तो कर दिया आपने, मैच जीत पाएंगे? आप सबको मेरा नमस्कार। देखिए, मैच तो हमें जीतना नहीं है, मैच जीतने का लक्ष्य नहीं था। लक्ष्य सिर्फ एक था कि देश की जो आधी आबादी है, महिलाओं की आबादी 50%, उन्हें अपना अधिकार मिले और उनका सशक्तिकरण हो, राजनैतिक सशक्तिकरण। जो देश में नीति नियम बनते हैं उनमें उनका योगदान हो। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार हर तरह की संकीर्णता से ऊपर उठकर बड़े लक्ष्य को लेकर चलती है और बड़ी लकीर खींचने का प्रयास करती है और जो बड़ा काम है उसे करने की चेष्टा करती है। और मैं कह दूं कि इतना बड़ा काम जो हुआ, राज्यसभा में अभी पारित होने जा रहा है, कल मैं लोकसभा में मौजूद थी, लोकसभा में 454 वोटों के साथ पारित हुआ, तो इसके लिए दो खूबियों की आवश्यकता होती है। एक, राजनैतिक इच्छा शक्ति, प्रचंड राजनैतिक इच्छा शक्ति की ज़रूरत है, और दूसरा, सबको साथ लेकर चलने की काबिलियत, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कैपेबिलिटी टू बिल्ड कंसेंसस। तो ये दोनों खूबियां हमारे प्रधानमंत्री जी के सरकार में मौजूद थी और इस वजह से इतनी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ यह बिल पारित होने जा रहा है। तो मुझे लगता है, अपराजिता जी, आप खुद एक महिला हैं और इसीलिए मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं। छोटी छोटी बातों में ना रहे तो थी नहीं कि परिसीमन और जनगणना का पेच फंसा दिया जाए, तो 2024 में भी लागू हो सकता था। जब आप न्याय की ही बात कर रहे हैं, महिलाओं की भागीदारी की बात कर रहे हैं, तो 2024 में भी तो लागू हो सकता था, फिर ये डिले किस लिए? देखिए, मैं बहुत स्पष्टता के साथ कुछ बातें कह दूं। मैं प्रशासनिक अधिकारी थी इसलिए मैं जानती हूँ, मैं बारीकियों से चीज़ों को समझती हूँ, या मैं बहुत विनम्रता के साथ कह रही हूँ, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को मानना ही पड़ेगा, हमें अच्छा लगे न लगे। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडियर होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं। तो जब तक हम नहीं जानेंगे कि किस राज्य का की जनसंख्या क्या है, हम परिसीमन नहीं कर सकते हैं, और इसकी वजह से हमें सेंसस भी करना है और उसके बाद परिसीमन की प्रक्रिया होगी। नहीं, आरक्षण में, और मैं बता दूं आपको, जहां तक इसी आधार पर अपराजिता जी, ये जो 543 सीटें हैं, इन्हीं में 33% आरक्षण हो जाता। परिसीमन जब होगा होता रहेगा, जनगणना जब होगी होती रहेगी। पिछले चुनाव इसी 543 में लड़े गए, एक और चुनाव लड़ लेते 543 में, कम से कम ये झुंझुना जो विपक्ष कह रहा है वो आरोप तो ना लगता। देखिए, विपक्ष का काम है कहना, कुछ तो विपक्ष कहेगा, और इनकी सार्थकता किस में रहेगी? अगर सारे लोग, पूरे देश के लोग तालियां बजा रहे हैं मोदी जी के सरकार के लिए, मोदी जी के बलिष्ठ नेतृत्व के लिए, तो इन्हें तो कुछ कहना है ना। नहीं, बात तो ठीक है अपराजिता जी, कहती हूँ, आप विपक्ष में होती तो आप ये सवाल नहीं उठाती। नकारात्मक प्रतिक्रिया आती है, मैं बता दूं, मुझे बोलने दे। देखिए, जहां तक परिसीमन का सवाल है, परिसीमन करना ही पड़ेगा और उसके पहले सेंसस होगा। हम जानते हैं कि कोरोना का काल था, सेंसस नहीं हो पाया। परिसीमन के विषय में बहुत स्पष्टता के साथ कह दूं कि 2002 में ऐसा हुआ था कि 84वां अमेंडमेंट हुआ, संविधान का संशोधन हुआ, और उस समय यह हुआ था निर्धारित कि 2026 तक किसी भी विधानसभा में और किसी भी और हमारे लोकसभा में सीटों की बढ़ोतरी नहीं होगी, और इस वजह से कहा गया कि 2026 तक परिसीमन की एक्सरसाइज बंद रहेगी। तो इसलिए 2026 में परिसीमन होगा और सेंसस भी होगा। कल अमित शाह ने कहा कि सेंसस कराएंगे, हम सरकार में आएंगे 2024 में सेंसस कराएंगे। जनगणना की बात की, जातिगत जनगणना की बात, फिर गोल हो गई। तो क्या विपक्ष का ये ओबीसी के असल डेटा वाला सवाल, ओबीसी आरक्षण का सवाल, जायज नहीं बन जाता अपराजिता जी? देखिए, अब ये तो ओबीसी की बात ना करें तो बेहतर है। बैकवर्ड कास्ट कमीशन को संवैधानिक दर्जा किसने दिया? मोदी सरकार ने दिया। और जो तथ्य आपने दिया, मुझे लगता है कि मैं अगर पुनरावृत्ति करूंगी तो समय जाया होगा। अभी हमारे 85 सांसद हैं जो ओबीसी हैं, देखिए इनके कितने सांसद ओबीसी हैं, 29% हमारे सांसद ओबीसी हैं, ये याद रखें, 29 मंत्री हैं
हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो ओबीसी हैं, और हमारे 1358 विधायक हैं देश में, उसमें से 365 यानी 27% ओबीसी हैं। और वहीं भाजपा के 163 एमएलसी अपराजिता जी, ये तो मैंने होते हैं, ये तो मैंने अपने शुरुआती और अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि अमित शाह ने क्या किया। और मैं मानती हूँ कि पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा देने वाली भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन क्या अपराजिता सारंगी मुझे ये बताएंगी कि जो लॉलीपॉप हमने 2017 में पकड़ा था रोहिणी कमीशन का, वो इसीलिए पकड़ाया गया था कि ओबीसी जातियों का असल डेटा सामने आए। 13 बार एक्सटेंशन मिला, अभी हाल में द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट सौंपी गई, और आपको भी पता है रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट क्या कहती है। तो ओबीसी से आप इतना बचते क्यों हैं? सेंसस कराएंगे, कास्ट सेंसस नहीं कराएंगे, कोई पेच, कोई दुविधा? कहीं कोई दुविधा नहीं है। मैंने कहा, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा उसकी पुनरावृत्ति कहूंगी, यही समय है, सही समय है। बहुत सारे कार्य हुए हैं, बहुत सारी उपलब्धियां हुई हैं, और यह जो कार्य है ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कार्य है, छोटा कार्य नहीं है। मैं कह दूं, देश को चलाना, शासन करना बहुत परिपक्वता की जरूरत पड़ती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम गंभीरता से सारे इश्यूज को ले, मुद्दों को ले, और आगामी दिनों में जो प्रशासनिक शासनिक प्रक्रिया होनी है वो निश्चित तौर पर की जाएगी। कल मैंने लोकसभा में कहा, मैं पुनरावृत्ति करूंगी कि इम्प्लीमेंटेशन हैज ऑलवेज बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अपराजिता जी, योगी आदित्यनाथ यूपी में हमारा आपके मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश में ड्राफ्ट जारी कर देते नगर निकाय के चुनाव में कि ओबीसी के बगैर, ओबीसी आरक्षित सीटों के बगैर वो चुनाव नहीं कराएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट उनके ड्राफ्ट को रद्द कर देता है, फिर भी वो कहते हैं कि चुनाव तब तक नहीं होंगे जब तक ओबीसी आरक्षण सीटों में लागू नहीं होगा। ये दुविधा सेंटर को क्यों है? बिल्कुल दुविधा नहीं है। देखिए, हम तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। हमारे लिए एससी एसटी महिला युवा वर्ग के प्रतिनिधि, गरीब शोषित वंचित वर्ग, ओबीसी सब महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी वजह से आज सबका आशीर्वाद हमारे प्रधानमंत्री जी को मिल रहा है, जो दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एक मुद्दा उठाना, ओबीसी का मुद्दा, कहीं ना कहीं इनके अस्तित्व की बात है, इनकी सार्थकता के लिए कोई तो एक मुद्दा उठाना है। कहीं ना कहीं तो प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार की निंदा करनी है। लेकिन मौका अपराजिता जी आपके पास भी है, बखूबी हो रहा है। ओबीसी समुदाय आपको वोट करता है, आप खुद मान रही है अपराजिता जी, ओबीसी समुदाय आपको वोट करता है। 2014 में 34%, 2019 में 44% पर आया, आपको वोट करता है। तो मौका आपके पास भी है कि 938 ओबीसी की जातियां जिनको कोई लाभ नहीं मिलता आरक्षण का, ये आप ही के कमीशन ने रिपोर्ट दी है, और आप ही का कमीशन ये बता रहा है कि 994 जातियों को मात्र 2.68% आरक्षण का लाभ मिलता है, और सिर्फ 10 जातियां आरक्षण का लगभग 10% ले जाती है। तो आपको नहीं लगता कि सामाजिक न्याय तो बड़ा अधूरा है इसके बगैर? देखिए, मैंने अभी कुछ तथ्य दिए और आपने भी कुछ तथ्य दिए। मैं बार बार कह रही हूँ कि यह सरकार सबके साथ खड़ी है, अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, महिला, युवा, सबके साथ खड़ी है। और कहीं ना कहीं आपने कहा कि हमें ओबीसी का समर्थन प्राप्त है, बिल्कुल प्राप्त है, क्योंकि वे प्रधानमंत्री जी की भाषा समझते हैं और प्रधानमंत्री जी पर उन्हें पूरा भरोसा है। अगर कोई व्यक्ति उनके कल्याण के लिए खड़ा है तो वो है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी।